हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट एड के दरमियान हमने क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एड, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक उपचार कहते हैं, इसकी आवश्यकता किसी भी तरह की दुर्घटना के इमरजेंसी की स्थिति में चिकित्सा से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। जहां तक फर्स्ट एड की बात है तो यह केवल आपातकालीन स्थिति में उपचार ही नहीं प्रदान करता है, बल्कि कई बार प्राथमिक उपचार की वजह से जो है आदमी की जो है यहाँ पर जान भी जो है बचाई जा सकती है। और ऐसे स्थान पर जहाँ तत्काल में कोई भी डॉक्टर उपलब्ध वहां पर नहीं रहता है तो और व्यक्ति की जो है जान वहां पर खतरे में होती है, तो उस वक्त जो है प्राथमिक उपचार के कारण जो है हम वहां पर जो है आदमी की जान जो है यहाँ पर बचा सकते हैं फर्स्ट एड के कारण। लेकिन फर्स्ट एड के दौरान हमें कुछ स्टेप को जो है करना होता है और कुछ स्टेप को जो है नहीं करना होता है। तो प्राथमिक उपचार के दौरान हमें क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, आज उसी के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट एड के दौरान जो है हमने क्या करना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति चोटिल हो यानी कि उसको इंजुरी हुई है तो जितना जल्दी हो सके उस विक्टिम को अटेंड करने का जो है हमें प्रयास करना चाहिए। आपकी थोड़ी सी लापरवाही उसकी जान को जो है जोखिम में डाल सकती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि फर्स्ट एड को जो है समय से देना चाहिए और मामला अगर सीरियस है तो जितना जल्दी हो सके मरीज को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो प्राथमिक उपचार के बाद ऐसे व्यक्ति को अकेले घूमने ना दे। अगर किसी चोटिल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दे रहे हो तो चोट वाले स्थान को साफ पानी से धोए और उस साफ कपड़े से ही ड्रेसिंग करे। मरीज को सबसे पहले स्वच्छ हवा प्रदान करे और उसके कपड़े को ढीला कर दे। अगर मरीज सीरियस है तो सबसे पहले उसके सांसों को जांचे। अगर फर्स्ट एडर को लगता है सांस नहीं चल रही है तो उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे, हो सके तो अपने मुंह से उसके मुंह में हवा भरे। अगर मरीज को ब्लीडिंग हो रही है यानी कि खून बह रहा है तो ऐसे में ब्लीडिंग वाले स्थान पर सॉफ्ट कॉटन रखे और उसे लगभग 3 मिनट तक दबाए रखे। आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स का जो लोकेशन है उसको जानना काफी जरूरी होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका जो है आप इस्तेमाल कर सको। जो भी मरीज है उसे बड़े प्यार से जो है आपको बात करनी है और उसके एंजाइटी को जो है आपको दूर करना है, इससे वह बहुत जल्दी रिलैक्स महसूस करेगा। मरीज को जो भी दवा देनी है उसे क्वालिफाइड डॉक्टर के सलाह से ही देनी चाहिए। फर्स्ट एडर को कभी भी किसी प्रकार की दवा देने की अनुमति नहीं होती है। अगर किसी डूबे हुए व्यक्ति को अगर आपको फर्स्ट एड देना है तो उस वक्त जो है सबसे पहले आपको उसके लंग्स और स्टमक को जो है उसमें जो भरा हुआ जो पानी है उसको सबसे पहले जो है बाहर निकालना है। अगर किसी को सांप काट लिया है तो सबसे पहले जहां पर काटा हुआ है वहां पर ब्लीडिंग को रोकना काफी जरूरी होता है। जहां सांप ने काटा है उसके थोड़ा सा ऊपर किसी कपड़े या रस्सी से जकड़ कर बांधना चाहिए। अगर व्यक्ति जल गया है तो उसके जले हुए भाग को लगभग 10 से 15 मिनट तक ठंडे और साफ पानी से धोना चाहिए। अगर शरीर का भाग केमिकल के संपर्क में आ गया है तो उस भाग को 10 से 15 मिनट तक साफ पानी से धोना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि फर्स्ट एड के दौरान क्या चीजें नहीं करना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप ट्रेन नहीं है तो कभी भी किसी को फर्स्ट एड देने का प्रयास ना करें। अगर आंख में कुछ पड़ गया है तो उसे खुद से निकालने का प्रयास न करें और आंख को कभी भी ना रगड़े। इसके लिए तुरंत आंख के डॉक्टर को जो है आपको दिखाना काफी जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को स्पाइनल इंजुरी है तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को मुंह करने का प्रयास ना करें। अगर कोई व्यक्ति भूल से एसिड या फिर अल्कली को ग्रहण कर लेता है, निगल लेता है, तो उसे उल्टी करने के लिए उसके ऊपर दबाव ना बनाए या उसे उल्टी करने के लिए प्रेरित ना करे। अगर शरीर का कोई भाग जल गया है तो उसके ऊपर ग्रीस हो, ऑयल हो, इंक हो या फिर ऑइंटमेंट लगाने का जो है प्रयास ना करे। अगर कोई व्यक्ति जहरीली गैस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड को इनहेल कर लिया है या फिर साइनाइड को खा लिया है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मुंह से हवा यानी कि माउथ रेस्पिरेशन देने का प्रयास ना करे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फर्स्ट एड के दरमियान आपने जो है कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।